प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी ग्रामों में सीसी रोड का निर्माण एवं डामलीकरण रोड का निर्माण किया गया है, किंतु मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकास खंड तामिया के अंतर्गत 10 वर्ष से रोड की अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी इस गांव में रोड का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा भैया, आपके गांव से कच्चा कितना किलोमीटर है? करीब ऐसा ही है, 3 किलोमीटर। हमारे यहाँ रोड नहीं होने के कारण परेशानी यही है कि देखो ये जो बीमार वाले मरीज हैं तो बैलगाड़ी से ले जाने की परेशानी। तो मैं स्कूल जाता हूँ तो हर दिन अप डाउन करता हूँ। अरे हमको रोड में समस्या, इसमें बरसात में बरसात लग जाती तो रिंगने की दिक्कत होती है रोड नहीं होने के कारण, और नदी नाला भरा जाते हैं। और दूसरा बात है, बाज़ार हम 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं सेरडान से बैठ कर। अच्छा भैया, आपके गांव से तामिया कितने किलोमीटर दूर है? हमारे गांव से तामिया 30 किलोमीटर है। आप कैसे आना जाना करते हैं? हम साइकिल से करते हैं। आप डाउन करने में क्या समस्या हो रही है? हम कच्ची सड़क होने के कारण यहाँ पर साइकिल नहीं चल पाती ढंग से, सेरडान तक बहुत दिक्कत पड़ता है। अच्छा, रोड की सुनाई के लिए आप कहाँ कहाँ बात किए हैं? सरपंच से किए, सचिव से किए, जनपद से किए, कोई सुनाई नहीं हो रहा। 10 साल से सब सियाने बुजुर्ग परेशान हो रहा है, लेकिन रोड का सेक्शन नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव पक्का सड़क बन जाए तो हम साइकिल से हर दिन अप डाउन कर सकते हैं। मैं विकलांग हूँ, मेरे को रिंगने के लिए रोड चाहिए और मैं यहाँ रोड का सुविधा चाहता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ, इस गांव में रोड हो जाता तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना न करना पड़ता। जो सरकारी सुविधा हैं, व्यवस्था हैं, तो इनके गांव तक पहुंच जाती। मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि यदि आप मकरन ढाना के लोगों की समस्या से प्रभावित हैं तो आप हमारे खापा खुर्द के सरपंच श्री ईश्वर सिंह प्रतेती जी का मोबाइल नंबर 9407330615 पे बात कर उन पर दबाव बनाकर हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से मैं राजू परतेती, इंडिया अनहर्ट के लिए।